नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज की तेजी है मार्केट की, ये आपको कितनी टिकाऊ लगती है, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि ऐसे माहौल को देखते हुए पोजिशनल ट्रेड अगर मार्केट में लेना हो तो कहां पर लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय, जिस प्रकार की तेजी आज आपको दोपहर के सेशन में देखने को मिली, वो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस पे थी कि कोई बड़ा फाइनेंशियल पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, स्पेशली बैंकिंग और ऑटो कंपोनेंट्स एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि ये काफी समय से मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिनों के लिए तो चलेगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही है कि इस हफ्ते में ही अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद ही मार्केट्स में फ्यूचर डायरेक्शनल कॉल यू नो डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो अभी मार्केट्स में चिंता है वो यही है कि जो भी कंपनीज के Q4 के नतीजे आ रहे हैं, वहां पे आउटलुक कंपनीज बहुत खराब दे रही है। कम से कम नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अर्निंग्स रिकवरी आएगी। तो इस माहौल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस एक अच्छा बेट रहेगा। हम समझते हैं कि रिलायंस जिस प्रकार का अभी उन्होंने राइट्स इशू अनाउंस किया है, प्लस जिस तरीके से कर्जा उन्होंने कम किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली और एक 100-125 रुपए बढ़ने के लिए जगह है। और लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई खरीद रखना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि 1650-1660 तक भी पॉसिबल है। तो रिलायंस एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा जो आने वाले 8-10 दिनों में आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म मूव दे सकता है। अविनाश जी, अनुमान के आधार पर क्या लगता है आपको, अभी इस शेयर को छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, क्या मानते हैं आप? मैं समझता हूं कि मृत्युंजय, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली इस शेयर में कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात, ये कंपनीज कर्जा मुक्त है, काफी कैश है, और अभी जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी कुशल ने बताई है, हमको लग रहा है कि TCS जैसी बड़ी कंपनी ने कहा है कि FY25 तक 75% वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे काफी पॉजिटिव प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है जरूर इंक्लूड करे। नतीजे से ज्यादा आउटलुक और कॉमेंट्री वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी US और यूरोप में जो इनके क्लाइंट्स है वहां पे काफी हद तक स्लो डाउन की बातें सुन रहे हैं, अभी भी कोरोना का इफेक्ट है, तो आउटलुक और कमेंट्री सुनने के बाद ही स्टॉक में थोड़ा सा एक पोजिशनल मूव देखने को मिलेगा। ऐसे में सीमेंट शेयरों पर अविनाश जी, आपका क्या आउटलुक है? क्या आपको लगता है कि अभी इस सेक्टर में कुछ और हलचल हम देख पाएंगे आगे? क्या आउटलुक है आपका? मैं समझता हूं कि आने वाले क्वार्टर में, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में, वॉल्यूम ग्रोथ काफी वीक रहने की संभावना है, क्योंकि डिमांड के अलावा हम समझते हैं कि लॉजिस्टिक का जो मूवमेंट है वो अभी भी वीक है। सीमेंट कंपनीज टिपिकली लॉजिस्टिक्स पे काफी हैवीली डिपेंड करती है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी पूरी तरह से डिले पड़े हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली थोड़ी सी स्टॉक प्राइसेस में थोड़ी सी कमजोरी आने की उम्मीद है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हम समझते हैं कि सितंबर के बाद होपफुली एक बार ये कोरोना वायरस क्लियर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस तो जरूर है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक है, रैमको सीमेंट्स है, हेडलबर्ग सीमेंट्स है, हमको लग रहा है कि अगर कीमतें नीचे आती है तो एक खरीदने का मौका रहेगा। बट यस, ये लॉन्गर टर्म के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 महीने शायद ये सेक्टर और स्टॉक्स में आपको कोई बड़ी मूव आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, ठीक है, बढ़ेंगे। लेकिन अविनाश जी, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको कहां पर निवेश करना चाहिए, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अभी एक सेक्टर पसंद है, वो ऑयल एंड गैस है, स्पेशली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। अभी फिलहाल तो इस सेक्टर में कंपनीज में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे महानगर गैस हमको पसंद है। इस कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है वो मुंबई में है, ऑटो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को केटर करती है, लेकिन कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी अच्छे डिविडेंड्स देती है और काफी कैश पे बैठी है। तो मुझे लग रहा है कि जो करंट कमजोरी है इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए। हमको लग रहा है कि करीबन 12 से 15 महीने में करीबन 1050 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत बढ़िया कंपनी है, और कोई इस कमजोरी को अपने एडवांटेज को लेके इसको एक्युमुलेट करना चाहिए।
ओके ठीक है। और अब